लॉकडाउन है और आइसक्रीम खाने का मन है, तो ना तो आप बाहर जा सकते हैं आइसक्रीम खाने और ना ही आइसक्रीम वाला भैया है बाहर। तो आज मैं आपको जो है मटका कुल्फी बनाना बताऊंगी, वो भी घर पर, और इसे बनाने में सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। और इसके लिए हमें गैस भी नहीं जलाना है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ, फिर हम इसको बनाएंगे। इसके लिए मैंने 1/4 कप चीनी लिए, 1/4 कप मिल्क पाउडर लिए, 1/4 कप जितना ही मैंने दूध लिया है, दूध हमारा नॉर्मल टेम्परेचर पे है। ये मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए, 10-12 मैंने पिस्ते लिए और 6-7 काजू लिए और 12-13 मैंने जो है बादाम लिए, 5 ये छोटी इलायची है और 200 ml के करीब मैंने जो है घर पर फ्रेश क्रीम बनाई है। आपके पास फ्रेश क्रीम घर पे है तो ठीक है, नहीं तो आप इसे मार्केट से भी ले सकते हैं। और ये कुछ केसर के धागे हैं, ये ड्राई फ्रूट मैंने कट कर लिए जो हम आइसक्रीम को डेकोरेट करने के लिए यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम केसर वाला दूध बनाएंगे। जैसे कि मैंने ये बताया, ये दूध जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे, आप चाहें तो इसको जो है हल्का सा गुनगुना भी कर सकते हैं। ये केसर जो है हम इसके अंदर डालेंगे और इसको हल्का सा हिला देंगे और अब हम इसे इसमें घुलने देंगे। जब तक हम और प्रेपरेशन कर लेते हैं तब तक जो है हमारा केसर जो इसमें घुल जाएगा, इसको कलर दे देगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। नेक्स्ट स्टेप के लिए अब हम मिक्सी का जार लेंगे और उसके अंदर हम ये ड्राई फ्रूट और छोटी इलायची ये सब डाल देंगे और जो ये शुगर है ये भी हम इसके अंदर डालेंगे और मैं अब इन सब चीज़ों को पीस लूँगी। ड्राई फ्रूट और शुगर को जो है मैंने मिक्सी जार में पीस लिया है, ये भी हम 1/4 कप ही लेंगे। अब जो है ये हमारी जो क्रीम है इसको मैं हल्का सा फेटूंगी। हमने इसको तब तक फेटना है जब तक कि इसमें जो है फ्रोथ ना बन जाए, फॉर्म ना बन जाए, हल्के हल्के इसमें जो है गैस के बबल्स नहीं बन जाते, तब तक हमने इसको फेटना है। बबल्स बनने शुरू हो गए, हम इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फेंट लेंगे। आप देख सकते हैं इसमें बबल्स बन गए हैं। अब मैं इसके अंदर ये जो ड्राई फ्रूट का मिक्सचर था इसको डाल दूंगी और फिर हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे। अच्छे से हमने मिक्स कर देना है। जो हमने ये ड्राई फ्रूट को जो हमने जार में पीसा है इसके अंदर लम्ब्स नहीं होने चाहिए। इसको अब हम इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए मिल गया आपस में। अब मैं इसके अंदर ये मिल्क पाउडर डाल दूंगी। अब हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें। ये देखिए अब मैं इसके अंदर ये केसर वाला दूध डाल दूंगी। केसर ने जो है अपना कलर छोड़ दिया, अब ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखिए अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए सब चीज अच्छे से मिक्स हो गई है। अब मैं इसको कुल्हड़ के अंदर जो है ट्रांसफर कर दूंगी। इस तरह से मैं कुल्हड़ को भर लूंगी। कुल्हड़ हमने फिल कर लिए। अब मैं इसके अंदर ये ड्राई फ्रूट डाल दूंगी ऊपर से। और अब जो है मैं इनको कवर कर दूंगी। ये फॉइल पेपर लेंगे और फॉइल पेपर से ऐसे इसको कवर कर देंगे। अब हम इसे फ्रीजर में रख देंगे और इसको जमने के लिए 3 से 4 घंटे लगेंगे। फिर 3 से 4 घंटे के बाद हम इसको जो है चेक करेंगे।
3 घंटे हो चुके हैं, तो अब जो है मैंने आइसक्रीम को निकाल लिया है। हमारी आइसक्रीम बन के तैयार हो गई है। देखिए मैं फॉइल पेपर हटा देती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ इसे तोड़कर, इसकी बाइट लेकर आपको दिखाती हूँ। देखिए बनी है ना बिल्कुल मार्केट जैसे, लग रही है ना बिल्कुल मटका कुल्फी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और ऐसी बड़ी आइसक्रीम को घर पर ज़रूर 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 ट्राई करें। थैंक यू।